क्वेश्चन है, ए स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द इमेज ऑफ द वायर द सेंटर ऑफ द वायर इज कंसाइडिंग विद प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर विद इट्स टू साइड इन नॉर्मल टू द एक्सिस। हमें एरिया बताना है एरिया इनक्लोज बाय द इमेज। पहली बात तो इसने जो ऑब्जेक्ट दिया है वो हमारे पास क्या है बियॉन्ड 2f है, यानी कि इमेज क्या बननी चाहिए हमारे पास एफ और 2f के बीच ही बनेगी। जो इमेज बनेगी वो हमारे पास एफ एंड 2f के बीच ही बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो बियॉन्ड 2f रखा हो तो इमेज बनती है एफ और 2f के बीच, यानी कि रियल बनेगी। और हमारे पास रियल बनेगी इसमें तो हमारे पास इसमें लगाए अगर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी 2f 20 सेंटीमीटर के आगे हमारे पास 2f, तो हमारे पास 1/b इक्वल 1/u प्लस 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। तो ये हमने क्या लगा दिया मिरर फार्मूला, तो 1/u ये कितना हमारे पास 25 है, माइनस 25 आ जाएगा क्योंकि ये क्या है रियल फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। प्लस 1/b इक्वल टू 1/f हमारे पास क्या है 10 है और ये कंकेव दे रखे तो कंकेव के लिए क्या होता है नेगेटिव, तो 1/b इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/-25 ये आ जाएगा 1/b इक्वल टू क्या हो गया 25। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे इसमें एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 50, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 5 प्लस का 2 तो यानी कि -3/50 आ गया हमारे पास। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50/3 माइनस का ये हमारे पास क्या है v आया है, यानी कि v हमारे पास क्या बनेगी f और 2f के बीच बनेगी और रियल और क्या होगी हमारे पास ये हमारे पास क्या बनेगी रियल बनेगी। अब हम इसमें मैग्निफिकेशन निकाल ले तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -v/u होता है तो -v यानी कि ये क्या हो जाएगा +50/3 और u हमारे पास क्या है 25 हमारे पास क्या है 25 और ये भी क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव आएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 53 × 1/25 तो ये क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी नेगेटिव आएगी यानी कि ये क्या बनेगी हमारे पास इन्वर्टेड बनेगी तो ये बन जाएगी रियल और इन्वर्टेड हमारे पास बनेगी क्या बन जाएगी हमारे पास रियल और इन्वर्टेड। तो इस केस में अगर निकाले तो ही हो यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी ये 3 है हमें पता है ये क्या आ जाएगा -2/3 यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी -6/3 यानी कि ये क्या आ गई -2 हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या आ गई 2 तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 4 cm² यार तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया क्योंकि इसने एरिया ही निकाला था। साइड अगर 2 है तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर में क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है एरिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 cm² ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना था इसने कह दिया था पहले ही पता था कि हमें बियॉन्ड 2f बन रही है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बनेगी एफ और 2f के बीच बनेगी और वो क्या होगी छोटी होगी और इन्वर्टेड बनेगी हमारे पास तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी और एरिया क्या आ जाएगा 4 cm². दिस इज द क्वेश्चन।